आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 88 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 29 कोरोना मरीज मिले हैं, हरिद्वार में 23, उधमसिंह नगर में 15, नैनीताल में 6, टिहरी में 5, पौड़ी में 4, अल्मोड़ा में 4, बागेश्वर और उत्तरकाशी जिले में 1-1 संक्रमित मिले। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 98,129 हो गई है। पुरानी कार को स्क्रैप कर नई खरीदे तो पंजीकरण शुल्क नहीं, तो पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क नहीं चुकाना होगा। नई वाहन नीति में अब गाड़ी स्क्रैप यानी कबाड़ करने के बदले सरकार तोहफों की झड़ी लगाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह के बयानों से सड़क से लेकर संसद तक में दिखा बवाल। सोशल मीडिया में राष्ट्रीय स्तर पर जींस और शॉर्ट के बयान की हो रही निंदा, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयानों पर छिड़े विवाद से देश भर में सियासत गर्मा गई है। सड़क से लेकर संसद तक के बयानों पर उबाल दिखा। विपक्षी पार्टियां समेत विभिन्न संगठनों ने सीएम के जींस और फिर शॉर्ट से संबंधित बयान की जमकर आलोचना की है। इतना ही नहीं, पिछले 48 घंटे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ट्विटर और फेसबुक पर टॉप ट्रेंड में हैं। वहीं ट्विटर पर अब तक करीब 40,000 ट्वीट उनके बयानों को लेकर हो चुके हैं। वहीं फेसबुक पर भी हजारों की संख्या में पोस्ट की जा रही हैं। प्रदेश में इसी शिक्षा सत्र से लागू होगा फीस एक्ट, तो प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर सरकार रोक लगाने जा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक इसी शिक्षा सत्र में फीस एक्ट लागू किया जाएगा। कुंभ के काम पकड़ेंगे रफ्तार, बिना निविदा होंगे 2 करोड़ तक के काम। तो मंत्रिमंडल ने हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे महाकुंभ के कामों में तेजी से पूरा करने के लिए 2 करोड़ तक के काम बिना निविदा से कराने का फैसला लिया है। अशासकीय स्कूलों में चयन आयोग के माध्यम से भर्ती करने के निर्देश, तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों को अशासकीय स्कूलों में चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में लोक सेवा आयोग या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जाती है, जबकि अशासकीय स्कूलों में स्कूल प्रबंधन की ओर से शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन इनमें स्कूल प्रबंधकों की ओर से अपने परिचितों की नियुक्ति देने और फर्जी एवं अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर भी नियुक्ति करने समेत तमाम तरह की गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रहती हैं। SIT ऐसे कुछ मामलों की जांच भी कर रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन स्कूलों में होने वाली नियुक्तियों में पूरी तरह से पारदर्शिता हो, इसके लिए चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के लिए कहा गया है। दिसंबर के बाद रिकॉर्ड 35,871 संक्रमित मिले, पहले से तेज हो सकता है दूसरी लहर। तो देश में फिर से तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में 35,871 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बृहस्पतिवार को विश्व में ब्राजील और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आशंका जताई है कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा तेज हो सकती है। पिछले वर्ष मार्च में रोजाना 20,000 से कम मरीज मिल रहे थे, अप्रैल के आखिर में इनकी संख्या 35,000 पहुंची थी। महाराष्ट्र में एक दिन में 25,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। केंद्र से उत्तराखंड को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 700 करोड़ रुपए की मंजूरी, तो राष्ट्रीय सेवा स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र ने उत्तराखंड को 700 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब वायरल हुआ सीएम तीरथ का एक और बयान, तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक और विवादित बयान बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ है, जिसमें वह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं के फैशन को लेकर विवादित टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह अपने हाल के बयानों से पिछले करीब 48 घंटे में ट्विटर और फेसबुक पर ट्रेंड में रहे हैं। कोटद्वार में बने कॉलेज, कैबिनेट में फैसला, तो मंत्रिमंडल ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। फोर्टिस का करार 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वही खबर रही है पिरानकलियर से, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, दो मजदूरों की मौत हो गई। तो पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने के कारण 2 मजदूरों की जलकर मौत हो गई, जबकि फैक्ट्री में काम कर रही मां बेटी बुरी तरह से झुलस गई। सूचना पर आनन फानन पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। 15 अप्रैल से खुल सकते हैं सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूल,
तो प्रदेश में एक साल बाद 15 अप्रैल से सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूल खुल सकते हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इन स्कूलों को खोलने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी इसी दिन से नया शिक्षा सत्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा, प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। प्रदेश में कोविड 19 की वजह से कक्षा 1 से 5 के स्कूल मार्च 2020 से बंद चल रहे हैं। हालांकि नवंबर 2020 से उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए स्कूल खोल दिए गए थे। इसके बाद इसी साल फरवरी में 6 से 11वीं तक के छात्राओं के लिए भी स्कूल खोल दिए गए, लेकिन प्राथमिक विद्यालय अब तक नहीं खुल पाए हैं। सरकार ने कुंभ कार्यों के लिए शर्तों में रियायत दे दी है। तो तीरथ सिंह रावत कैबिनेट में गुरुवार को 5 फैसले लिए गए। इसमें सबसे अहम निर्णय कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई। वहीं कैबिनेट ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए का टोकन जारी किया है। उत्तराखंड के सभी सड़कों के डामीकरण की जांच होगी। तो राज्य में सड़क डामीकरण के लिए केंद्र सरकार से मिले बजट के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद तीरथ सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को जांच कर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देहरादून से खबर है, डिवाइडर से टकराई बाइक, 2 दोस्तों की मौत। तो मोहकमपुर में गढ़ बिहार के समीप अनियंत्रित होकर बाइक डिवाइडर से टकरा गए। हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाउस टैक्स अब सीएससी में भी जमा कर सकेंगे। तो नगर निगम का हाउस टैक्स लोग कॉमन सर्विस सेंटर में भी जमा करवा सकते हैं। शहरी विकास विभाग हाउस टैक्स को भी सीएससी की ऑनलाइन सेवाओं में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। स्मार्ट सिटी को नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड। तो जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा इजराइल के दूतावास की साझेदारी में नेशनल वाटर एंड सैनिटेशन इनोवेशन समिट एंड अवार्ड देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मिला है। यूरोप अमेरिका में दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक। तो कोरोना की दूसरी लहर पहली से ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हुई है। शोधकर्ता ने अलग अलग अध्ययनों से इसका खुलासा किया है। यूरोप समेत दुनिया भर के 46 देशों में द इकोनॉमिस्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के अध्ययन का विश्लेषण किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और यूनिवर्सिटी ऑफ सिहुंगा ने अमेरिका और यूरोप में कोरोना से हुई मौतों का विश्लेषण किया। स्पेनिश फ्लू कोरोना से हुई मौतों का विश्लेषण हुआ है। 2 साल बाद फिर ट्रैक पर दौड़ी रेल मोटर कार। तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर गुरुवार को रेल मोटर कार सेवा करीब 2 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो गई। पहले दिन रेल मोटर कार में 7 यात्रियों ने कालका से शिमला तक का सफर किया। खामोशी से गुजरी सरकार की 4वीं सालगिरह। तो सरकार के 4 साल तो 10 दिन पहले सरकार भाजपा सरकार 18 मार्च को 4वीं सालगिरह पर शानदार जश्न मनाने की तैयारी में जुटी थी। एक ही दिन एक ही समय सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार के 4थे साल के जलसे में 4 साल की उपलब्धियों को आम जनता के सामने रखा जाना था, लेकिन गुरुवार का दिन सरकारी तौर पर फीका गुजरा। विपक्ष ने सवाल जरूर उठाए। विपक्ष का सवाल था कि अब तक अपनी 4 साल की उपलब्धियां गिनाने नहीं थमने वाली भाजपा सरकार आखिर सालगिरह के दिन ही जनता के बीच जाने से संकोच क्यों कर रही है। भाजपा की यह हिचक सियासी हलकों में कई सवालों को भी जन्म दे देगी। 4 साल के बड़े फैसले, तो गैस एंड ग्रीष्मकालीन राजधानी और 25,000 करोड़ रुपए से विकास करने का लक्ष्य। इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा। उत्तराखंड में किसानों और महिलाओं को 5 लाख तक ब्याज मुक्त बैंक लोन। गन्ना मूल्य का 7% भुगतान नए बजट में किया गया पहले से ही प्रावधान। 16 साल में जितनी सड़कें बनी उतनी पिछले 4 साल में बनाने का वादा। महिलाओं पर एक और वीडियो में घिरे तीरथ। तो पहनावे पर टिप्पणी के मामले में सीएम का दूसरा वीडियो गुरुवार को हुआ वायरल। कांग्रेस ने साधा सीएम पर निशाना। एनसीआई और महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अमिताभ की नाती ने शुरू की मुहिम। तो रावत के बयान के खिलाफ विरोध जताने की मुहिम अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने शुरू की थी। उन्होंने बुधवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर खुद की फटी जीन्स वाली फ़ोटो साझा करते हुए लिखा था, मुझे ऐसे कपड़े पहनकर गर्व महसूस होता है। हमारे कपड़ों को बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदलिए।
वही खबर है हल्द्वानी से। हल्द्वानी बाल सुधार गृह में ग्रिल तोड़कर 7 नाबालिग फरार हो गए। तो राजकीय संप्रेक्षक गृह किशोर से बुधवार गुरुवार रात आधी रात में 3 मंजिला भवन की खिड़की की ग्रिल तोड़कर 7 नाबालिग फरार हो गए। अल्मोड़ा में 8 कोरोना मरीज मिले हैं। रानीखेत डिग्री कॉलेज में छात्रों ने रक्तदान किया। आम आदमी पार्टी ने मनाया काला दिवस। तो अल्मोड़ा और कुमाऊं से हटाकर गैरसैंण मंडल में शामिल करने के विरोध में आम आदमी पार्टी का धरना जारी रहा। जाखनी में पेड़ों से चिपकी महिलाओं के तीखे तेवर। तो पूर्वजों के संरक्षित वन को बचाने के लिए जाखनी में चल रहा चिपको आंदोलन 4th दिन भी जारी रहा। अल्मोड़ा बागेश्वर में जींस पर चढ़ा सियासी पारा। तो महिलाओं की पोशाक पर प्रदेश में नए मुख्यमंत्री नरसिंह रावत के दिए गए बयान पर अल्मोड़ा और बागेश्वर में सियासी पारा चढ़ गया। तो अल्मोड़ा में सीएम बयान के से खपा महिला कांग्रेस ने चौगान पाटा में सीएम का पुतला जलाया। टिहरी में 2 पुलिस कर्मचारी सस्पेंड। तो चौकी कांडीखाल में तैनात पुलिसकर्मियों की नकोट गांव में रहने वाले नेपाली मूल के श्रमिक व ग्रामीण की बेरहमी से पिटाई करने के मामले में एसएसपी तृप्ति भट्ट ने प्रथम दृष्टा में दोषी पाते हुए 2 पुलिस कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है। मनेरी भाली झील में डूबा किशोर। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, मनेरी भाली प्रथम चरण की झील के पास मनेरी भाली फेस 1 में झील किनारे नहाने गया एक किशोर झील में डूब गया। शाम तक SDRF मनेरी पुलिस की ओर से झील में डूबे किशोर की तलाश की जा रही है। वही खबर रही है, जोशीमठ से टनल में एक और शव मिला, अब तक 74 मिले। तो NTPC तपोवन की टनल से NDRF की रेस्क्यू टीम को बुधवार की देर रात्रि एक और शव मिला, जिसकी पहचान अरविंद सिंह उम्र 25 पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी ग्राम की माठा जोशीमठ के रूप में हुई है। वहीं से खबर है, कोटद्वार से 17 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में खपाई जा रही नकली एंटीबायोटिक। तो मिलावट खोर दवाओं के नाम पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उत्तराखंड की ड्रग कंपनियों के नाम से फर्जी तरीके से ब्रांड तैयार कर बाजार में नकली एंटीबायोटिक खपाई जा रही हैं। इसी वित्तीय वर्ष में प्रदेश में एंटीबायोटिक के 16 सैंपल जांच में फेल निकले हैं। उत्तराखंड में एक हफ्ते में मिलेंगे 763 डॉक्टर। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक सप्ताह के भीतर 763 नए डॉक्टर मिल जाएंगे। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने इन पदों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 300 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जल्द ही मेडिकल कॉलेजों में ट्यूटर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 70 पद और स्वास्थ्य विभाग में 250 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। 8 दिन में ही अपने बयानों से विवादों में आए मुख्यमंत्री। रुड़की में TTE ने बेटिकट यात्री को किया लहूलुहान। तो ऋषिकेश से बाड़मेर जाने वाली जोधपुर एक्सप्रेस में ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी TTE ने बेटिकट यात्री को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। यही नहीं, TTE ने रुड़की रेलवे स्टेशन पर चैन खींचकर ट्रेन को 46 मिनट तक रोके रखा। बाद में घायल यात्री और TTE ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। RPF ने यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया, जबकि TTE के खिलाफ चैन पुलिंग करने और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर आई है, लक्सर से विवाहिता ने वीडियो मायके भेजा, फिर खा लिया जहरीला पदार्थ। तो ससुराल वालों की दहेज की मांग और मारपीट से तंग आकर विवाहिता ने 3 दिन पहले जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे पहले उसने वीडियो बनाकर अपने मायके भी भेजा था। हालात बिगड़ने पर परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहाँ से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। यहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कोटद्वार में बनेगा मेडिकल कॉलेज, कैबिनेट का फैसला। तो अब इसके लिए केंद्र सरकार से ली जाएगी स्वीकृति। आपने मांगा विकास का हिसाब, तो कार्यकर्ताओं ने किया सीएम आवास कूच। हाथीबड़कला में पुलिस से नोकझोंक हुई। तो राज्य सरकार के विकास कार्यों का हिसाब मांगते हुए आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी दिनेश मोनिया व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को सीएम आवास का कूच किया।
लॉकडाउन में अच्छे काम करने पर 2 पुलिस कर्मियों को सम्मान दिए गए। तो कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में बेहतर कामों के लिए प्रदेश में 2 पुलिस अधिकारियों को अवार्ड के लिए चुना गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेना में शामिल होने का मौका, तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 अप्रैल रखी गई है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिमला में 227 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन, तो 480 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों की है जरूरत, तो अम्बेडकर होटल प्रबंधक खान पान व्यवस्था में भर्ती निकली हुई है 5 पदों पर, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। झंडा आरोहण 2 अप्रैल को, तो इस साल पंजाब के रोपड़ निवासी जसवीर सिंह चढ़ाएंगे दर्शनीय गिलाफ, तैयारियां तेज हो गई हैं। तो इस बार ऐतिहासिक श्री झंडा जी मेला पंचमी तिथि 2 अप्रैल 2021 को शुरू होगा। 25 महिलाओं को वुमेन प्राइड से सम्मानित किया गया। नेशनल फेडरेशन कप एथलीट्स में उत्तराखंड को 2 पदक मिले हैं। एम्स में शुरू होगा एरो मेडिकल एम्बुलेंस सर्विस कोर्स, तो आपदा या किसी दुर्घटना की स्थिति में यदि मरीज को समय रहते प्राथमिक उपचार ठीक से मिल जाए तो मृत्यु की दर आंकड़ों को कम किया जा सकता है। वहीं खबर है कोटद्वार से, इंजीनियरों के निलंबन का विरोध शुरू हो गया, तो डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने शुरू किया कार्य बहिष्कार। युवक की पिटाई के मामले में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, तो नई टिहरी से खबर आई है। अफीम की अवैध खेती करने पर 21 को गिरफ्तार किया गया है, तो उत्तरकाशी पुरोला से खबर आई है। घाट के लोगों ने किया विधायक का विरोध, काले झंडे लेकर पहुंचे, तो मुन्नी देवी शाह ने कार्यक्रम किया रद्द, कार्यक्रम स्थल पर पुलिस फोर्स को तैनात की गई। अब 16 मई को होगी प्रवेश परीक्षा, तो गुप्तकार से खबर है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा 10 अप्रैल को होनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई, अब यह परीक्षा 16 मई को होगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो मंडलायुक्त ने अखाड़ों में पहुंचकर संतों से लिया सुझाव, तो बोले कुंभ में संतों को नहीं होगी परेशानी। मदन कौशिक के रोड शो में उमड़े कार्यकर्ता, तो उत्तरी हरिद्वार में सूखी नदी से देवपुरा चौक तक 60 से अधिक स्थानों पर विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया। फटी जींस वाले बयान से महिला कांग्रेस में उबाल, तो हरिद्वार से खबर आई है, मुख्यमंत्री नरसिंह रावत के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरी युवा कांग्रेस, तो महानगर युवा कांग्रेस ने रानीपुर मोड़ पर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खबर है रोशनाबाद से, दुष्कर्मी युवक को सुनाई 10 साल की कठोर सजा, तो नाबालिग को बेला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक ने अपर सत्र न्यायाधीश पारुल गेरोला ने अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 60,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। ज्वालापुर और रायवाला से चोरी का आरोपी दबोचा गया है। कुंभ द्वार में करना होगा प्रवेश, तो मेला प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए तैयार किया मोबाइल ऐप। काशीपुर से खबर है, काशीपुर में शिक्षक ने खुद को गोली से उड़ाया, तो अवसाद में चल रहे एक शिक्षक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली उड़ा ली। बताया जा रहा है कि शिक्षक उधार में ली गई रकम के डूबने से परेशान था। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो सेहत और विकास की पटरी पर दौड़ेगी हल्द्वानी, तो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनने का रास्ता साफ हो गया है। हल्द्वानी कोतवाल का तबादला लाल कुआं में हुआ है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, लापरवाही चौकीदार की गहरी नींद से उड़ा विभाग का चैन, तो 7 विधि विवादित किशोरी के भागने से राजकीय संप्रेषण गृह के कर्मचारी सकते में हैं। घर से कूड़ा उठाने का शुल्क 60 रुपये हुआ, तो हल्द्वानी में खबर आई है, नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का शुल्क प्रतिमा 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है।
सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। तो हल्द्वानी से खबर है, हड़ताल कर रहे LIC कर्मचारियों ने मंडल कार्यालय में प्रदर्शन किया। वही खबर है, हल्द्वानी से खाते से रकम उड़ाने वाले ठग गिरफ्तार हुए हैं। तो OTP पूछकर करते थे ठगी, 13 मोबाइल 57 सिम भी बरामद हुए हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो लोको पायलट के नशे में होने का शक, तीनों रेल कर्मियों के ब्लड सैंपल लिए गए। तो पूनागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस के बुधवार को टनकपुर रूट पर उल्टी दौड़ने के मामले में रेलवे अफसरों ने बेहद गंभीरता से लिया है। पिथौरागढ़ शहर में मिल रहा जरूरत का तिहाई पानी, तो 1 लाख की आबादी वाले पिथौरागढ़ शहर को 12 MLD पानी की जरूरत है। वही खबर है, टनकपुर से नो मेसलैंड से नेपाल ने नहीं हटाया अतिक्रमण। तो सीमा पर अतिक्रमण विवाद पर नेपाल के अधिकारियों से फिर वार्ता का प्रयास किया गया है। धारचूला पिथौरागढ़ से खबर है, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में ताले लगाकर प्रदर्शन किया गया। तो सीएम की दोहरी घोषणा के बावजूद नहीं बन सकी सड़क। चंपावत केंद्रीय विद्यालय में 8वीं तक हो सकेंगे दाखिले। तो SSB ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को 3 नई कक्षा खोले जाने का प्रस्ताव भेजा है। पूर्णागिरी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। वही खबर है, लोहाघाट से डुंगरी फरतियाल के जंगल में लगी आग। तो 2 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वन संपदा जल गई। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। सरकार के 4 साल विपक्ष पूछ रहा सवाल। तो कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नवीन जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा का पुतला फूंका। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो उधमसिंह नगर से खबर आई है, वन रक्षक निलंबित, दरोगा रंजर अटैच। तो हाथी दांत प्रकरण, तो दलदल में फंसने से हुई थी हाथी की मौत। चुफाल को दिखाए काले झंडे, तो कृषि कानून के विरोध में उठाए कदम, 3 युवक हिरासत में लिए गए हैं। आपने काला दिवस मनाकर सरकार से मांगा जवाब, तो भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, खटीमा, सितारगंज और किच्छा में मार्च किया गया। वही खबर है, बाजपुर से शराब पीकर दो युवक, एक की मौत हो गई। तो शराब पीकर दो युवकों के बीच विवाद हो गया, इस दौरान डंडा लगने से एक युवक की मौत हो गई।